नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कुवैत से रिलेटेड अपडेट ये बतानी भाई ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है सरकार ने लगभग कुवैत सरकार ने 32-33 कंट्रीज़ पे बैन लगा के रखा था कि इन कंट्रियों के तो हमारे देश में बिल्कुल बंदा आना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ कंट्रियों का आपको पता है छूट दे रखी थी, जिसमें पाकिस्तान को भी छूट मिल चुकी थी और भी बहुत सारी कंट्री हैं जिनको छूट मिल चुकी थी। गल्फ कंट्रीज़ से भी फ़्लाइटें चालू थी, जैसे ख़ासतौर से दुबई की बात करें तो लोगों ने भी एक सिस्टम बना लिया कि भाई क्यों ना हम दुबई से जाएं, क्यों ना हम दूसरी कंट्री से कुवैत में घुस सकते हैं। जी हाँ, और वहाँ की सरकार ने भी इनका विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कुछ कंडीशन रख दी थी। तो हम डिटेल से बात करेंगे भाई, पिछले 80 दिनों में, ठीक है, लगभग 2-2.5 महीने में 3 महीने में कितने बंदे दूसरे देशों से जो बैन थे, खासतौर से इंडिया में मान लीजिए आप बैन थे, लेकिन आप डायरेक्ट कुवैत नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट आप दुबई से कुवैत जा सकते थे। बहुत सारे लोग गए भी हैं जो मुझे दुबई में भी मिले थे, ठीक है। कितने लोग पहुंचे, कितने उनमें से भी वापस उनको कर दिया गया, कैसे पहुंचे, क्या कंडीशन थी, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो से लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जी हाँ साथियों, अक्टूबर तक अगर हम बात करें तो मैं बता दूँ 80 दिनों में जब से सरकार ने 32 कंट्रीज़ के अलावा और कंट्रीज़ की फ़्लाइटें स्टार्ट की हैं, उसके दौरान बता दूँ 80 दिनों में 193,000 यात्री कुवैत पहुंचे। जी हाँ, यानी रवाना हुए कुवैत के लिए लगभग 2,00,000 आप मान सकते हैं, 2,00,000 यात्री कुवैत के बॉर्डर तक पहुंच गए, एयरपोर्ट तक पहुंच गए, ऐसे समझ सकते हैं। उनमें से 135,000 यात्री ही एयरपोर्ट में क्रॉस कर पाए, यानी कुवैत पहुंच सके। इसका रीजन क्या था भाई, यानी 2,00,000 लोगों में से सीधा सीधा 38,000 लोग वापस रिटर्न कर दिया गया। उनका कितना खर्चा आया होगा आपको पता है। जो लोग मुझे कुवैत जाने वाले दुबई में मिले थे, उन वो बता रहे थे सर नया वीज़ा लेके गए थे, उतना का उतना खर्चा दोबारा आ रहा है। सोचने की बात है, आप सबको पता ही है, क्योंकि दुबई से भी कुवैत की टिकट देखिए महाराज, सब सोचने की बात है यार, 1,00,000 से 1.5 लाख के बीच में सिर्फ टिकट आ रही है। जो टिकट 28-30 हज़ार में आती थी, उसकी प्राइस देखो कुवैत सरकार ने कितनी बढ़ा के रखी, क्योंकि उनको पता था मजबूरी में बंदे आएंगे, फिर भी लोग गए, 1,00,000-1.5 लाख खर्चा करके भी लोग पहुंचे। वो कैसे पहुंचे बता दूं, सरकार ने बैन कर रखे थे उन कंट्री में भी लोग, वहां के लोग ज़्यादा पहुंचे। जैसे इंडिया की हम बात करें, इंडिया के लोग ज़्यादा पहुंचे, वो कैसे पहुंचे कुवैत में, पिछले 180 दिनों में लगभग 2,00,000 के करीब यात्री निकले थे कुवैत पहुंचने के लिए। उनमें से 1965 फ्लाइटों में, जी हाँ 1965 फ्लाइटों में 1,35,000 यात्री कुवैत के अंदर घुस गए, यानी पहुंच गए लीगल तरीके से। क्योंकि सरकार ने 30% की फ़्लाइटों का शेड्यूल बनाया कि भाई 30% फ़्लाइटें चलेंगी, तो फ़्लाइटें बहुत कम थी ना इस चक्कर में। पाकिस्तान की ज़्यादा फ़्लाइटें कहाँ थी बता दूँ, तुर्की, दुबई और दोहा कतर, यहीं से ज़्यादा फ़्लाइटें इन कंट्री से कुवैत आ रही थी। जी हाँ, इनकी शर्तें क्या थी कि आप कोई प्रतिबंधित कंट्री से हमारे देश में आओगे तो पहले जिस देश में आ रहे हो वहाँ आपको 14 दिन रहना पड़ेगा, और वो पासपोर्ट में, जैसे मान लीजिए इंडिया से आप दुबई आए तो दुबई आपको 14 दिन रहना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इंडिया से कोविड टेस्ट लेके आए, फिर आपका एयरपोर्ट पे हो गया, फिर 14 दिन आप दुबई में रुक गए, यहाँ से आपको रिपोर्ट लेके फिर जाना है कहाँ पे, कुवैत के एयरपोर्ट में, या फ़्लाइट द्वारा एयरपोर्ट कुवैत आपको पहुँचना है। फिर आपको जैसे आप कतर से गए, आप तुर्की से गए, आप दुबई से गए, या और भी इनडायरेक्ट एक दो कंट्री और हैं वहाँ से भी लोग गए, ठीक है। तो यहाँ फिर आपको कोविड टेस्ट रिपोर्ट आपको लेनी होगी, नेगेटिव रिपोर्ट लेके फिर आपको कुवैत के एयरपोर्ट पे जाना होगा। ये किस पे लागू हुआ, जिन कंट्रियों के लिए कुवैत सरकार ने बैन कर रखा था 34 कंट्रीज़ के लिए, उन लोगों पे लागू होता है कि भाई प्रतिबंधित कंट्री से जो भी कोई आदमी आता है वो पहले दूसरे देश में रहो जिसमें पहले से प्रतिबंध नहीं है, फ़्लाइटें चल रही हैं, वहाँ 14 दिन रुको, वहाँ से रिपोर्ट लो, फिर हमारी कंट्री में आप घुसो, वहाँ पे फिर आपको रिपोर्ट आपकी दोबारा से होगी, फिर आपको 14 दिन क्वारंटाइन। ये लफड़ा चला, बंदे का पता कितना खर्चा लगा, लगभग 1.5 लाख के करीब एक इंडियन बंदे का कुवैत पहुँचने तक का खर्चा था। जी हाँ, आप सोच सकते हैं ये कुवैत सरकार ने चक्कर को घुमाया, लेकिन फिर भी कुछ लोग पहुँचे, और उनमें से भी बता दूँ 30,000 यानी 38,000 लोगों को रिटर्न आना पड़ गया। जी हाँ, 2,35,000 लोगों को रिटर्न आना पड़ गया, क्योंकि उसका रीज़न कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट कंप्लीट इनकम्प्लीट हो गए, या वीज़ा एक्सपायर हो गया, ठीक है, या फिर उन वो कुछ लोग पॉजिटिव भी आ सकते हैं, उसमें आ गए तो उनको फिर रिटर्न, वो कई कुछ कमियां थी डॉक्यूमेंट्स में तो उनको रिटर्न आना पड़ा। ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी लोग पहुंच रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।